जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हाइट पे जा रहे हैं और व्यू और अच्छा होता जा रहा है, आप देख सकते हैं नीचे ये बड़ा स्विमिंग पूल है। और ओके तो ये हम अभी और ऊपर की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल टॉप पर, और बीवी जी के चेहरे पे थकान, यहाँ पहुँच के सारी थकान दूर हो गई। मतलब मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरा बर्थडे है, वो भी शादी के बाद पहला बर्थडे, और मुझे तुम लेकर जाओगे किसी अच्छी सी रोमांटिक सी जगह पर ये देखो जरा एक बार ये क्या है। जस्ट वेट फॉर सम लाइक चाचू जी मेरे राजस्थान की लगाव को देखते हुए मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम अरे बाप रे बाप ऊंट भी दिख रहे हैं, आज तो बात ही बन गई। तो आज हम आए हैं निमराना फोर्ट, और इसके बारे में मैं ज़रूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, हालांकि ये मेरे लिए सरप्राइज़ था, लेकिन निमराना फोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत मुझे जो जानकारी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन 500 साल पुराना ये किला है, और इसके अलावा 10 मंजिला ये किला है, और अरावली की 3 एकड़ की पहाड़ियों को काट करके इस पूरे किले का निर्माण किया गया था, पृथ्वीराज चौहान के समय का ये किला माना जाता है। और इसके अलावा इसमें बहुत से अच्छे अच्छे कमरे भी हैं जो कि काफ़ी पुराने स्टाइल में बनाए गए हैं। लेकिन इसके अलावा बाहर की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर रहने वाली हैं, और जल्द ही हम सबसे पहले जाएंगे रिसेप्शन पे, अपना चेक इन का जो सारा हमारा रहता है प्रक्रिया उसको पहले पूरी करेंगे, और उसके बाद आपको दिखाएंगे खूबसूरत पहाड़ियाँ और खूबसूरत किला। हमारी एंट्री हो चुकी है निमराना फोर्ट में, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये। हम आपको दिखाएंगे कि हमारा कमरा कैसा रहने वाला है जहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं, और मौसम बहुत अच्छा है, मतलब मैच कर रहा है। Absolutely, that is also amazing, because हम सोच रहे इतनी गर्मी में हम लोग रहेंगे कैसे, but it's going to be really amazing. भगवान हमारा अच्छा साथ दे रहा है। Absolutely, so quickly हम लोग check in करते हैं and then we'll move forward. Okay, बाबा। तो कहते हैं कि हर काम की शुरुआत भगवान गणेश के साथ करनी चाहिए, और आज गणेश चतुर्थी भी है, तो सबसे पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं गणेश जी के, गणपति बप्पा मोरया। तो यानी कि अब हमारी ये जो यात्रा रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि सबसे पहले दर्शन हुए हैं गणपति जी के, और इसके बाद नंदी महाराज जी भी हैं। कुछ इसके बारे में, इस पूरे किले के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जिसका स्क्रीनशॉट हम आपको इस वीडियो में ज़रूर शेयर भी करेंगे, और उसके बाद इस किले की शुरुआत होती है। तो हम तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पर, और काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। तो बोलो जय माता दी। किला कैसे कीर्ति ने स्टार्टिंग में बताया था, इट्स लाइक 10 स्टोरी स्टॉल। अभी हम लोग जस्ट पहली स्टोरी पे आए हैं, और आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए, लुक एट दिस, अमेजिंग, जस्ट लुक एट दिस। और आप ये सोचिए कि अभी हम पहले फ्लोर पर आकर कितना खूबसूरत लग रहा है, तो जब हम आगे 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 ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए बहुत बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है पूरा व्यू। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आप घर बैठकर ही निमराना फोर्ट का लुत्फ उठा पाएं, और आप ज़रूर आएं इस हमारे व्लॉग को देख करके। ऑल राइट, तो अभी हम लोग नेक्स्ट चलने वाले हैं, हमारा चेक इन टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट हम लोग अपने रूम में चेक इन करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा, जो लोग पहली बार आएंगे उनको हम यहाँ पे समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इजीली दिखा पाएंगे। जो लोग आएंगे वो यहाँ से गेट 1 से एंटर करेंगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पर रिसेप्शन, यहाँ पर आपको वेटिंग एरिया, लेफ्ट साइड रिसेप्शन, रिसेप्शन के बाद जहाँ अभी पॉइंटर कर रहा हूँ वो वेटिंग एरिया है। हाँ। हम लोग अपना लगेज वहाँ रख के सिंस हमारा रूम रेडी कर रहे हैं, हम जस्ट एक छोटा सा एक गाइड टूर आ गए लेने, और अभी आप देख सकते हैं वी आर जस्ट ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड इट इज़ लुकिंग फैंटास्टिकली अमेजिंग। आप देख सकते हैं मौसम कितना सुंदर है आज, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग अभी चलने वाले हैं अपने रूम चेक इन के लिए, और आपको दिखाता हूँ कि उस टाइम रानी जो थी वो कैसे रहती थी, कैसे उनके आलिशान। पहला अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि रानी कैसे रहती थी, और यहाँ पर किले के हर एक फ्लोर पर अगर हम देखें तो वहाँ पर एक बालकनी टाइप बनी हुई है। Exactly. जिसे आज की भाषा में, इनफैक्ट हम दूर से क्यों वहीं चल के दिखाते हैं ना। हाँ हाँ, ये
वहाँ पे देखो एक तोप पड़ी है बिकॉज वो पुराने जमाने में बिकॉज सभी जो किले होते थे वो हाइट पे बनते थे जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर बाउंड्रीज, वहाँ एक छोटी सी तोप भी रखी है अगर सब लोग देख पा रहे होंगे. आई एम टेकिंग अ वाइड एंगल शॉट सो आई मीन आई नीड टू गेट क्लोजर टू द एंटायर थिंग. लाइक अरे यार ये देखो ये तो बहुत ही सही है यार. मतलब आपको अच्छा पहले ये कहा जाता था कि यहाँ पर रानियाँ जो यहाँ पर रहती थी उनकी सुरक्षा की नज़र से बहुत सारे इंतज़ाम भी किए हुए थे, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे रास्ते हमें गुप्त रास्ते मिल जाएंगे जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया, लेकिन अभी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि थोड़ा रहता है कि अभी इसे हेरिटेज में तब्दील कर दिया है तो थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से. एग्जैक्टली क्योंकि यू नो काफ़ी लोग आते हैं ना तो यू नेवर नो कि सामने वाले की साइकी क्या है, तो इनको थोड़ा सा उस प्रोटेक्टिव मोड में भी रहना चाहिए. तो विच इज़ फाइन, इनको जो गुप्त रास्ते हैं वो बंद कर दिए ताकि लोग इसका मिसयूज़ ना करें. सो विच इज़ फाइन, बट यार मौसम ने ना इस व्यू के चार चांद लगा दिए हैं. मतलब तो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ और थोड़ा सा ही फोटोशूट करते हैं, हम थक गए लेकिन अभी हमें थकना नहीं है. और हाँ जी मैम कीर्ति जी, तो आप इस किले की महारानी है आज के लिए. ये आपकी पर्सनल बालकनी है एंड यू कैन लुक अराउंड फ्रॉम हेयर एंड नो वन इज गोइंग टू कम हेयर एंड स्टॉप यू. जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग. ओह माय गॉड हाउ अबाउट इट. बहुत ही सुंदर चाचू, बहुत ही सुंदर. Now there is a bigger surprise inside, so let's go inside our room for tonight. Surprise is waiting for you. Na ra ra. Bhootiya bangla lag raha hai thoda. Bhootiya bangla nahi hai yaar, chalo to sahi. Oh my god. Amazing chachu. Matlab tumhe kaise pata ki mujhe matlab mujhe wo sab cheeze nahi, mujhe purani cheeze kafi zyada pasand hai. Alright. Okay. पुरानी खिड़कियाँ चाचू, मुझे ये पुरानी चीजें जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा. ये रूम बहुत खूबसूरत है. थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे का स्पेशल बनाने के लिए. थैंक यू सो मच. तो गाइस ये मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली जो रानी के साथ उनकी सहेलियाँ या वो सब रहती थी तो ये उनमें से एक का रूम है एक्चुअली उस समय का. और अब ये लोग इन्होंने किसी हेरिटेज साइट बना दिया है, दे स्टार्टेड गिविंग इट ऑन रेंट. तो हम कीर्ति को मुझे पता जो था जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यहाँ पर आकर के उनको 5-star होटल जैसी चीजें मिलेंगी, बट इट इज नथिंग लेस. हाँ लेकिन वैसा तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है मुझे लगता है. बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अमेजिंग. और उनके लिए सबसे ज्यादा सुंदर है जो लोग पुरानी चीजों को काफी ज्यादा पसंद करते हैं. और लाइक मुझे ऐसी चीजें बहुत बहुत पसंद है और तुमने मेरे मन की बात को जाना और मेरे को यहाँ पे लेकर आई.
गाइज अब हम जो आपको लेकर के जहाँ पर लेकर के जाने वाले हैं, यकीन मानिए बहुत खूबसूरत जगह है और दिस प्लेस इज कॉल्ड मुकुट बाग। तो आइए फटाफट मुकुट बाग दिखा देते हैं आपको कि कितना सुंदर है ये मुकुट बाग और बहुत खूबसूरत गार्डन ये बना हुआ है। और इस मुकुट बाग से आपको पूरा ओवरव्यू भी मिल जाएगा और आप यहाँ पर आकर मैं थोड़ा सा यहाँ पर चढ़ना अलाउड नहीं है बट स्टिल आई विल गिव यू द 360 व्यू। ये देखिए तो सामने दिख रहा है ना जहाँ पे वो टावर लगे हुए हैं, वही हमारी आज महारानी साहिबा का शयन कक्ष है, ठीक है। वही हम लोग ठहरे हैं और उसके बिल्कुल ठीक सामने है मुकुट बाग। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हाइट पे जा रहे हैं और व्यू और अच्छा होता जा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे ये बड़ा स्विमिंग पूल है और उसके बाद आगे जब और हाइट पे जाएंगे वहाँ एक और बाग आएगा, उसका नाम है ऊंचा बाग। ओके तो अभी सीधा बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम चलते हैं आगे। बट लुक एट दिस, आई थिंक टोटली वर्थ दी एफर्ट। हम लोग इतना चल के हैं, सांस चढ़े हुए हैं बट आई थिंक इट्स टोटली वर्थ दी एफर्ट। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, यू कैन सी हियर। मतलब आप इमेजिन कीजिए ये आज की डेट में इतना अच्छा है, जब आज से 400-500 साल पहले जब यहाँ पे एक्चुअली राजा महाराजा रहते होंगे उस समय कितना और अच्छा लगता होगा। ये इन्होंने डेफिनेटली प्रिजर्व अच्छे से किया है जब से ये हेरिटेज साइट बना है, बट उस टाइम की तो बात ही कुछ और ही होगी। जा रहे हैं हवा महल की ओर और हवा महल की ओर जाकर के कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ी सी हवा महल में जाकर के हवा लेंगे। लेकिन इस बीच जो बहुत सुंदर सुंदर व्यू आ रहा है बीच में वो ज़रूर आपको दिखाएंगे। देखिए बहुत सुंदर व्यू यहाँ पर दिख रहा है और मेरे तो मन ही यहाँ पर लग गया, मन ही नहीं कर रहा कि वापस जाऊँ। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अरावली की पहाड़ियों को काट करके बनाया गया, तो एक बार मैं कहूँगी ये देखो ये जो है पहाड़ काट के इस पूरे किले को बनाया गया है। बड़ी बात ये है कि यहाँ पर देखो अगर आप उसको उस व्यू को दिखा पाए तो यहाँ पर सजाया सवारा जा रहा है, यही इस निमराना किले की खूबसूरती है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल कीर्ति, आई मीन टू प्रिजर्व दैट प्लेस आफ्टर सो मेनी लॉन्ग इयर्स इज समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ओके एंड आई जस्ट वांट योर अटेंशन हियर इन दिस ओल्ड डाइनिंग हॉल, लाइक दिस इज कॉल्ड पंच महल इफ यू कैन सी ऑन द वॉल्स एंड जस्ट सी दिस ब्यूटिफुल क्रिएचर हियर। सीम्स लाइक अ वेरी ओल्ड डाइनिंग हॉल और बहुत सारे कबूतर मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ओ मैन, ये कहीं पॉटी वॉटी ना कर दें ऊपर। बट आप देख, लेकिन जैसे इंसान होते हैं इंसानों की तरह तो नहीं होते, जानवर बहुत खूबसूरत होते हैं। कौन से इंसान ने पॉटी की तुम्हारे ऊपर, ये बता दो। ओके आई मीन बैक टू वेयर वी वर। आप ये देखो, जस्ट वॉन्ट टू शो यू दी entire dining hall and everything here, so beautiful. आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर मैंने सुना है कि शाम को राजस्थानी फोक म्यूजिक और डांस होता है और लाइट वाइट लग के ये बहुत सुंदर लगता है, तो शाम को भी एक बार मैं आऊँगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए, शाम को हम लोग यहाँ पर फिर से आएंगे। आई थिंक ये शाम के लिए ही सफाई हो रही है, फिर से आएंगे हम एक बार यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और आप इधर आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ इस डाइनिंग हॉल हवा महल के पीछे के हिस्से पे। सो ब्यूटीफुल, सो आई थिंक ये पुरानी बावली है जिसको इतने अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया हुआ, बट लुक एट दिस व्यू ऑन दी बैक साइड ऑफ दिस पैलेस, अमेजिंग। कीर्ति तो मुझे लगता नहीं वापस जाने वाली है, बिल्कुल मन नहीं है। और ये ग्रीनरी प्लस राजस्थान
एब्सोल्युटली खूबसूरत किला, बहुत सी एब्सोल्युटली। अच्छी अच्छी चीजें, कुंडियों पर अगर गिनना चाहूंगी ना तो वो खत्म नहीं होंगी वो चीजें। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो जिन लोगों के दिन रात मेहनत लगती है इसको प्रिजर्व करने में, वो हमारे सामने है। थैंक यू सो मच आंटी, आप इतनी प्यारी जगह को बना के रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, आप सभी यहीं से हैं, यहीं से आप हैं। लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कितने अच्छे से इस जगह को रखा हुआ है, बहुत बहुत अच्छा लगा। ओके, तो अभी हम लोग वापस चलते हैं हवा महल की तरफ। मैं आपको सिर्फ ये डाइनिंग एरिया दिखाने आया था अभी, सिंस आई मीन इवन दो मौसम अच्छा है, आप देख सकते हैं बादल हो रखे हैं, बट स्टिल वी आर फीलिंग डिहाइड्रेटेड। तो अभी हम चलते हैं, विल क्विकली मूव ऑन टू आर आर डेस्टिनेशन, दैट वॉज हवा महल। ओके, सी यू देयर। और यहाँ मेरा मन कर रहा है मैं गाना गाऊँ, ला 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 बस ला अच्छा, ला, बस बस बस, सारी बेकार हो जाएगा। सारी वीडियो का सत्यानाश हो जाएगा। ओके ठीक है, नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। अब ये देखो, अब हम आ गए हवा महल और राजमहल बार। देखते हैं अब राजमहल बार क्या चीज है भाई। अच्छा, राजमहल को बार बना दिया। ये 1998 की फोटो है इमराना फोर्ट की, आप देखेंगे 1998 में जैसा था आज भी वैसा ही है। अमेजिंग। ओके, ये ओके, बहुत पुराना डॉक्यूमेंट लग रहा है यार, दिस इज अमेजिंग, सो नाइस, वेरी नाइस। लगता है हमारे शाम का प्रोग्राम यहीं हाँ, पर मैं हो रहा वही, है। मैं अभी वही बात कर रहा था कि शाम वाला प्रोग्राम यहीं पर है। ओके, नाउ वी आर रीच टू द कैफे वेयर विल बी हैविंग सम रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। आई'ल कैच यू गाइज लेटर। इट्स वी आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड एंड इट्स टाइम फॉर सम रिफ्रेशिंग ड्रिंक। ऑलराइट, सी यू सून। ओके गाइस, तो हम लोग अपना पार्ट वन नीमराना का यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग थोड़ा थक गए हैं और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए जा रहे हैं। तब तक आप ये वीडियो देखिए, आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और पार्ट टू आने वाला है, जल्दी आएगा, स्टे ट्यून फॉर दैट एंड कीप द क्यूरियोसिटी ऑन। आई लीव यू विद दिस लवली चर्पिंग साउंड ऑफ द बर्ड्स एंड स्टे ट्यून, वी लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।